नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेटर्स। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। तो क्या होगी भारत की प्लेइंग 11 बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो अगर आप भी चाहते हैं T20 वर्ल्ड कप भारत जीते तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में अब मैच कुछ महीने का समय बचा है। UAE और ओमान में खेले जाने वाले विश्व कप को लेकर सभी टीमें अपना बेस्ट 11 खिलाड़ी की खोज में लगी हुई है। भारत को T20 वर्ल्ड कप का इस बार प्रबल दावेदार माने जा रहा है और पिछले कुछ समय में क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन भी दमदार रहा है। इससे पहले 2016 का T20 वर्ल्ड का आयोजन भारत में ही हुआ था, तब वेस्टइंडीज की टीम चैंपियन बनी थी। T20 वर्ल्ड कप में 16 टीमों को मौका दिया गया है, कुल 45 मुकाबले होने हैं। पहला राउंड 8 टीमों के बीच होगा, दो ग्रुप में 4-4 टीमें रहेंगी, कुल 12 मैच होंगे। दोनों ग्रुपों में टॉप टीम सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करेगी। यह 12 टीमों को दो ग्रुपों में बांटा जाएगा, कुल 30 मैच होंगे। इसके बाद दो सेमीफाइनल और फाइनल होंगे। नंबर 1 पर होंगे रोहित शर्मा, नंबर 2 पर शिखर धवन, नंबर 3 पे विराट कोहली, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पे संजू सैमसन, नंबर 6 पे ऋषभ पंत, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर, नंबर 9 पे मोहम्मद सिराज, नंबर 10 पर राहुल चहर और नंबर 11 पे होंगे टी नटराजन। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत प्लेइंग 11 के साथ T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।